मेडिसिन और हेल्थ से संबंधित जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें मिर्जा सुहाग के चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार, आदाब, मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट सुहाग स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बात करेंगे मैनफोस टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसको लेने का सही तरीका क्या है, कितनी डोज में लेने पर डिजायर्ड एक्शन देती है, किन किन व्यक्तियों को इसे नहीं लेना चाहिए, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैनफोस टैबलेट का यूज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में किया जाता है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मतलब नपुंसकता या जिसमें लिंग का इरेक्शन नहीं हो पाता है। इस टैबलेट का यूज सेक्स में अच्छा परफॉर्मेंस के लिए किया जाता है, जिससे लिंग में इरेक्शन लंबे समय तक रहता है। मैनफोस टैबलेट का एक्टिव कंस्टिट्यूएंट सिल्डेनाफिल होता है, जो 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। यह पेनिस में ब्लड का फ्लो बढ़ाकर पेनिस में इरेक्शन कराती है। अब जान लेते हैं मैनफोस टैबलेट को खाने का सही तरीका क्या है। तो इस टैबलेट को सेक्स करने से एक घंटे पहले ली जाती है। शुरुआत में 50 मिलीग्राम की मैनफोस टैबलेट डॉक्टर द्वारा प्रिफर की जाती है। फिर भी अगर इस 50 मिलीग्राम की टैबलेट से फायदा नहीं दिखे तो 100 मिलीग्राम की एक टैबलेट दी जाती है, जो सेक्स करने से एक घंटे पहले ली जाती है। इसे आप भोजन के साथ या बिना भोजन के भी ले सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो इसका कॉमन साइड इफेक्ट हेडेक होता है। इसको लेने के बाद सिर में दर्द हो सकता है। ये दर्द माइल्ड के साथ साथ तेज भी हो सकती है। चेहरे पर फ्लशिंग हो सकती है, चीजें धुंधली दिखाई दे सकती है, और अगर सेक्स करने के बाद भी लिंग में हार्डनेस लंबे समय तक रहे तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, जिससे लंबे समय तक पेनिस में हार्डनेस रहने से पेनिस के नसों या मांसपेशियों के डैमेज होने से बचा जा सके। डिटेल में इसके साइड इफेक्ट जानने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। अब जान लेते हैं किन किन व्यक्तियों को मैनफोस या अन्य सेक्सुअल टैबलेट नहीं लेनी चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, या पहले कभी हार्ट अटैक पड़ चुका है, जिनको डायबिटीज है, या जिनको पैरालिसिस यानी लकवा मार चुका है, उन लोगों में साइड इफेक्ट के चांसेस और बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसे कंडीशन में डॉक्टर के स्पेशल प्रिकॉशन के बिना कभी भी खुद से इन दवाइयों को न ले, अन्यथा यह घातक साबित हो सकता है। ये थी जानकारी मैनफोस टैबलेट के बारे में। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। Thank you.